हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो साइट के ऊपर जो ड्राइंग्स मिलती हैं हमें, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, RCC ड्राइंग्स, स्लैब के लिए जो भी कॉन्क्रीटिंग करना है, उसके पहले आपको कास्टिंग करने की पड़ेगी उसकी। उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, इसलिए आपको जो ड्राइंग मिलती है वो आपको रीड करना आना चाहिए। वो डिटेल में देखेंगे कि आप कैसे रीड करेंगे, कारण बहुत सारी कंडीशन है उसमें, हिडन बीम्स है, बाकी सब आना चाहिए आपको। जो भी बीम है उसके बीम साइजेस, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, टीरफ्स, उसका 2 लेग्स, 3 लेग्स, जो भी है मेंशन किए वाला, वो आपको रीड करना आना चाहिए। उसके साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी हमारे डेवलपमेंट लेंथ है, या फिर हमारे जो भी क्रैंक बार से, जो भी हमारे स्पेसिंग है स्लैब के डिटेल्स में, बीम के डिटेल्स में, या फिर कैंटिलीवर स्लैब में, वो हम डिस्कस डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। और जो भी हमारे कॉलम से, जो भी हिडन बीम से, ए वाले हिडन बीम से, वो आज हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करो, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हमारा चैनल है सिविल डिज़ाइन टेलीग्राम के ऊपर भी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल, या फिर आपको साइट वर्क के जो भी एक्सेल शीट्स से, ड्राइंग्स से, एटोगेट ड्राइंग्स से, वहाँ पर आपको मिलेगी। ये ड्राइंग फाइल भी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सिविल डिज़ाइन करके ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब अपडेट मिलेगी। आप जो फ्रेशर हो तो आपको जॉब के लिए जो भी अपडेट है, या फिर वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, या फिर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ई बुक्स चाहिए तो आप बोल सकते हैं। सारे ई बुक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो आप वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो। और वीडियो के एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जो कि साइट इंजीनियर के थंब रूल से, ओके, वो आपको आने ही चाहिए। यही तो आपका वर्किंग है एज ए साइट इंजीनियर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर एक बीम आपको चेक करना है एज स्टील डिटेल, उसका अच्छा है कि दिए वाले है कि नहीं साइट पे। अगर एक भी बीम आपको मिसिंग लगा एक भी बार, तो आपको आपकी सीनियर जो अथॉरिटी आपको चिल्लाएंगे आपके ऊपर, ये क्यों नहीं आपके चेक नहीं किया। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसलिए आपके जो सीनियर अथॉरिटी, सीनियर आपके मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैनेजर है आपके, वो आपके ऊपर ही चिल्लाएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बीट 23 और बीट 24 इसका आप देखेंगे सेक्शन, तो इसमें आप दिखाई देगा कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट है, उसका जो लेंथ है L/4, यानी कि पूरा जो स्पैन है हमारा, इसका L/4 ही डिस्टेंस आपको ये डेवलपमेंट लेंथ देनी है, या फिर एक्स्ट्रा लेफ्ट में जो भी सपोर्ट दिया है, रेनफोर्समेंट दिया है, वो आपको देना है 12 या 10 mm, जो भी दिया है बाहर। सेम इस तरह राइट में भी L/4 करके भी, यानी कि 4 मीटर होगी तो आपको L/4, यानी कि 4/4 आपको 1 मीटर तो ए सेक्शन देना ही है। ओके,
ये आपको साइट पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। साइट की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर ये पूरा सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपको दिखाई देगा, ऐसे में इस ड्राइंग में ही मिलेगा, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पे इन सपोर्ट है, यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है सपोर्ट। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो एक्टिव होगा। ये देखिए, इसमें देखा तो ए बीम है, फिर इसके बाद एक बीम है, कंटिन्यूस बीम हो रहा है हमारा, और फिर इसके बाद कैंटिलीवर है। सेम ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई होती है। ए एंड सपोर्ट है हमारा, फिर उसके बाद बीम है, फिर एक कैंटिलीवर बीम है हमारा, फिर उस पे आपको देखना है कि एक्स्ट्रा टॉप कहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा बॉटम, लेफ्ट या राइट कहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा लेफ्ट इस पे आएगा या इस पे आएगा। एक कैंटिलीवर है यहाँ पर, जो सेक्शन है वही देना पड़ेगा आपको, L/3 का। ये हमारा कैंटिलीवर है L3। इसका जो आप देख रहे हो, मैंने कहा था कि ये 2x और x के बीच, यानी कि ये जो लेंथ है उसकी डबल होनी चाहिए ऊपर वाली लेंथ, सेम है। ये जो हमारा स्पैन है, जितना भी कैंटिलीवर है हमारा उतना ही बार आगे गया है, उतना ही बार हमारा पीछे चाहिए। ओके, यही तो फंडा है। ये L3 जो लेंथ आई है उसनी उतनी ही लेंथ हमारा L3 में चाहिए। एक कैंटिलीवर का मेन फंक्शन होता है, जितना आप आगे लोगे बार उतना ही आप बार हमारा पीछे चाहिए। उसके लोडिंग की वजह से वो कैंटिलीवर, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लोड आ गया, यहाँ पर पॉइंट लोड आ गया तो बैलेंस करेगा आपको लोड। तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। तो गाइस, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए इसका अगला पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो भी हमारा बाकी का कंडीशन से, बाकी के बीम से, बाकी का सब रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है, डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज बार, जो भी हमारा एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, और मेन बात की हमारा जो प्लेयर स्पैन है उसके जो सपोर्ट के लिए L/4 है, इसका जो स्पेसिफिकेशन कैंटिलीवर बीम के लिए, कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट क्या होता है, एंड सपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो गाइस, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।